तो हेलो नमस्ते सस्त्रियकाल आदाब छोटों को प्यार बड़ों को राम राम। दिस इज योर साइंस एंड सोशल साइंस एजुकेटर सौम्या वेलकमिंग यू टू द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर के नाम से समझ ही लिया होगा कि आज हम क्रांति लाने वाले हैं। सो देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ क्रांति लाने के लिए। सो बच्चा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में धूम मचाओ और अपनी अटेंडेंस लगवाओ। जल्दी से देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। सो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में है अंशिका राठौर, सुपर्जना पेंडेम, खुशी दुबे, हेल गैमरेस, सुपर्जना पेंडेम, सुदर्शन, श्रीयेश सोनी, खुशी दुबे, सो रिदा हालिमा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगवाओ और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबको शेयर करो, सबको इस क्रांति में पार्ट लेने को कहो, सबको इस फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनाओ। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई इंट्रो। माई नेम इज सौम्या राय। आई हैव डन माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव टॉट मोर देन 3200 प्लस स्टूडेंट्स। I have a teaching experience of 4+ years. I am a science and a social science expert, and I'll be teaching science and social science on my platform, that is Phoenix Success Plan. So, बच्चों, आपको पता है कि CBSE ने marking schemes और sample papers out कर दिए हैं और इस time बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा hassle जो है वो ये है कि आखिर हम पढ़ना start कैसे करें, कैसे अपनी चीजों को manage करें। तो बच्चा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अन अकेडमी आपका ऐसा दोस्त साबित होगा जो ना कि आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा, आपको अप्रिशिएट भी करेगा, आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। सो बच्चा, ये हमारी टेलीग्राम लिंक है जिसपे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और हम जो भी क्लास के बाद जो PDF सर्कुलेट होगी वो इसी चैनल पे सर्कुलेट होगी। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। सो बच्चा, आप कहते हो कि मैम जब यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है तो फिर अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत है। सो बच्चा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। बच्चा, अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे लाइव पोल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, आपके जब क्लासेस चलती है क्लासेस में आपको टीचर्स क्वेश्चन पुट अप करके लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं जिसमें आपको एज कंपेयर टू बाकी बच्चों से आपको अपनी रैंक पता चलती है। बच्चा, जब आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो जो टीचर आपको पढ़ाता है वो कभी भी डाउट सॉल्विंग के लिए नहीं बैठता, लेकिन बच्चा आपको ये जान के बहुत ही आप अमेज्ड हो जाओगे कि अन अकेडमी पे डाउट ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं। हर दो क्लासेस के बाद से आपकी जो थर्ड क्लास होगी वो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होगी और वो लेगा कौन, वो लेंगे वो एजुकेटर्स जिनके थ्रू आपने वो क्लासेस की हैं। आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। बच्चा, आपको कहीं भी डाउट हो, आप ये नहीं है कि आपको एक बैच अलॉट कर दिया गया, आप उसमें पढ़ रहे हो, आपको समझ में आए ना आए, कोई चीजें आपकी सही चले या ना चले, बच्चा आप अपने अकॉर्डिंग, हाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैच चूज कर सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको पूरी लिबर्टी है अपना एजुकेटर चुनने का और अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस लेने का। बच्चा, अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है आपको वीकली टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट सीरीज सेम टू सेम आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होती है। जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उन्हीं के ट्रेंड एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके, सैंपल पेपर से क्वेश्चन कलेक्ट करके एक अच्छी अप टू डेट टेस्ट सीरीज बनाई जाती है जो आपको दी जाती है। सो बच्चा, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं। बच्चा, आपका जो कैटेगरी है वो CBSE क्लास 6-12 है, इसमें आपको बहुत सारे पैकेजेस अन अकेडमी प्रोवाइड करता है। आप 1 month का ले सकते हो, 6 months का ले सकते हो, 15 months का, 18 months का, 24 months का, 36 months का, आपको जो भी ड्यूरेशन में आपको चाहिए कि मुझे इतने मंथ पढ़ने हैं आप उतने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बच्चा पता है आपको सबसे अमेजिंग बात क्या है, आप इसमें अगर मेरा कोड यूज करते हो, मेरा कोड क्या है,
एस ए, मेरा नाम एस ए यू एम वाई ए। जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी कोर्स परचेज करो आप ये रेफरल कोड यूज करो और आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो बच्चा है नहीं अमेजिंग थिंग? आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये फीचर कहाँ मिलता है कि आप रेफरल कोड से अपने आप को डिस्काउंट अवेल कर पाओ। सो बच्चा आपके पास इसमें पेमेंट मेथड्स भी कई सारे हैं, जैसे आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, आप ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, आप यूपीआई या वॉलेट्स का भी यूज कर सकते हो। बच्चा इसमें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? अगर आप इस टाइम फाइनेंशियल क्रंच में हो और आपके पास वो लायबिलिटी नहीं है कि आप पूरे कोर्स को एक बार में परचेज कर सको, सो अनअकैडमी उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक रामबाण इलाज लेकर आया है जो है पेन पार्ट्स। आप चाहो तो अपने पूरे जो भी आपका कोर्स स्ट्रक्चर है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स नोट दिस, रेफरल कोड है मेरा सौम्या एस ए यू एम वाई ए। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो बच्चा थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। बच्चा इस टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि हम कोविड के सिचुएशन से बहुत बुरी तरह फंस गए थे। मुझे नहीं पता कि आपने 8-9 महीने पढ़ाई की है कि नहीं की है, पर मुझे ये पता है कि ये 3 महीने आपने अगर अपनी जान लगा दी सो बच्चा आपको अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो बच्चा सीबीएसई की जो पेपर स्कीम आई है उसमें हमने ये देखा है कि उसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सो बच्चा सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 to 16, और सेक्शन बी जो है वो आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है, 17 to 22। सेक्शन सी जो है वो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, 23 to 26, एंड सेक्शन डी जो है वो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, 27 to 31। दैट आर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सेक्शन ई आपका मैप वर्क होगा एज यूजुअल, जिसमें आपकी हिस्ट्री के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ज्योग्राफी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो बच्चा ये वो पेपर स्कीम है जो सीबीएसई ने आउट की है और इसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरी तैयारी करेंगे। बच्चा बोर्ड्स में हल्ला बोल का तरीका क्या है? हमारे पास 80 क्वेश्चंस हैं और इस 80 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं। सो बच्चा इसमें से 20 मिनट्स निकाल देते हैं रिवीजन के लिए और बचे 80 क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम देना है 160 मिनट का। एक क्वेश्चन पे पर क्वेश्चन जो टाइम आएगा वो आएगा 2 मिनट का। सो बच्चा हमको उसी के अकॉर्डिंग ये सोचना है कि वो 2 मिनट्स हम अपने मिनट्स कहां सेव कर सकते हैं और उसके आगे फिर हम कैसे उसको अच्छे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चा फीनिक्स सक्सेस प्लान वो चैनल है जिसपे आपके इतने सारे कंटेंट में से आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको हर चीज का तोड़ जो है वो आपको मिलेगा फीनिक्स सक्सेस प्लान चैनल पे। सो बच्चा ये आप चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और आपसे कनेक्टेड रह सकते हो। सो बच्चा आज अब आते हैं हमारे टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, आप इससे 8 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बच्चा व्हाट इज नेशनलिज्म? सबसे पहला ख्याल जो हमारे मन में आता है नेशनलिज्म को लेके वो है राष्ट्रवाद, अ फीलिंग, अ इमोशन, अ कनेक्ट विथ योर मदरलैंड। आप अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो आपके अंदर चाह होती है वही होती है नेशनलिज्म। सो बच्चा आपको क्या लगता है 14 अगस्त की रात को आप सोए और 15 अगस्त को उठे तो देश आजाद था? ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल थी, हमने कई जाने गवाई, हमने कितना सैक्रिफाइस किया तब जाके हमें ये आज आजादी का एहसास हो पा रहा है। सो बच्चा बात उस वक्त की है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। It was the time of around 1914 to 1918. उस टाइम पे जो फ्रेंच फर्डिनेंड्स थे ऑस्ट्रिया के, उनको assassinate किया गया था। बच्चा what do you mean by assassination? Assassination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल फिगर को जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सोसाइटी पे उसे उसकी हत्या कर दी जाती है, इसे बोलते हैं assassination। So, जब फ्रेंच फर्डिनेंड का एसासिनेशन हुआ तब जो 2 पावर्स थी वो 2 ग्रुप्स में बट गई। सबसे पहली पावर जो थी सेंट्रल पावर और दूसरी पावर जो थी वो थी एलिट पावर। सो बच्चा आपकी सेंट्रल पावर्स में, अच्छा हम बच्चों के डाउट्स भी देखते हैं, ओके ओके।
श्योर श्योर। तो बच्चा नेशनलिज्म के थ्रू, नेशनलिज्म के मैंने आपको बता दिए, बच्चे पूछ रहे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हो। सो बच्चा दो पावर्स जो थी वो थी एक सेंट्रल पावर और दूसरी एलिट पावर। सेंट्रल पावर में आपके साथ कौन कौन से नेशंस जुड़े हुए थे, आप उसे स्ट्रिक्ट से याद कर सकते हो, गाबो। गाबो स्टैंड्स फॉर जी जर्मनी, ए ऑस्ट्रिया हंगरी, बी बल्गेरिया एंड ओ ओटोमन एम्पायर। और एलिट पावर्स में आपके साथ कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोम एंड जापान एंड यूएस। सो बच्चा आप ये देखो कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें ब्रिटेन ने पार्ट लिया था, लेकिन उसमें इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था। सो बच्चा इंडियंस जो थे उनके मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि क्या पता है इस वॉर के बाद से हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, हम अगर इंडिया एज इंडिया अगर उसमें पार्ट नहीं भी ले रहा है और ब्रिटिशर्स जो है अगर वो वॉर जीतते हैं तो उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बच्चा आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स ने अराउंड 100 ईयर्स हमारे जो देश था, हमारे देश पे उन्होंने रूल किया। सो जितनी भी हमारी बिलोंगिंग्स थी, जितनी हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ध्वस्त थी। लेकिन बच्चा आप इस बात को देख के बहुत शॉक्ड हो जाओगे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लोगों की दिक्कतें कम होने के बजाय दिक्कतें और बढ़ती चली गई। सबसे पहला जो दिक्कत लोगों के सामने आई वो थी क्रॉप फेलियर एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। बच्चा 1917 टू 1918 में एक सिचुएशन आई जब जो वहां पे वाटर की शॉर्टेज हो गई, वहां पे ड्रॉट की कंडीशन आ गई और बहुत सारे क्रॉप्स फेल होने लगे। अब तक जो लोग गुलामी झेल रहे थे उनके साथ साथ वो गरीबी थी उनके पास, गुलामी थी उनके पास, अब साथ साथ एक और सबसे बड़ी मुश्किल जो उनके सामने आ खड़ी हुई थी वो थी शॉर्टेज ऑफ फूड। बच्चा शॉर्टेज ऑफ फूड, अब उनके पास खाने तक को भी कुछ नहीं था, अब वो इससे भी जूझ रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो क्लोजर के केस पे आ गई थी, वो सारी बंद होने के कगार पे आ गई थी। सो जितने लोग उन इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो सामने खड़ी थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी तीसरी मैंने आपको चीज बताई, एपिडेमिक एंड इन्फ्लुएंजा। बच्चा सेंसस 1921 कहता है कि अराउंड 12 टू 13 मिलियन पीपल जो थे उस टाइम इस इन्फ्लुएंजा के शिकार हुए थे। बच्चा आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, 12 टू 13 मिलियन पीपल दोज हु वर अफेक्टेड बाय एपिडेमिक एंड इन्फ्लुएंजा। ओके सुषमा, राजवर्धन, मेघना कुपाती, विशूर्ति, कृष्णा शुक्ला, सुदर्शन। सो बच्चा ये सारे लोग हैं जो इस क्रांति में हमारे साथ पार्ट ले रहे हैं, धीरज सारदे, कृष्णा शुक्ला, ऋषिका रेड्डी, सैनी कविशा, शिवम यादव। ओके सो बच्चा आगे इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, हाई टैक्सेशन एंड पॉवर्टी। बच्चा इंडिया पहले से ही गरीबी से जूझ रहा है और जो चीजें मिले उस पे भी टैक्स बढ़ा दिया जाए, क्या ये फेयर था? बिल्कुल भी नहीं। लोग वैसे ही गरीबी के शिकार थे, लोग वैसे ही खाने के लिए मर रहे थे और उस टाइम पे इतनी भारी टैक्सेस लगाना ये ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने की थी। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, हमने अभी देखा कि इंडस्ट्रीज रिसेशन के कगार पे आ गई थी। रिसेशन मतलब मंदी, वहां पे ऐसा हुआ क्यों था? बच्चा क्योंकि वॉर के टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिया था और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो क्लोजर के केस पे आ गई थी। बच्चा इन्होंने प्राइस राइज कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी एक्सपेंडिचर किया वॉर पे उसकी रिकवरी के लिए इन्होंने इंडिया को चुना कि हम तो खर्च करेंगे, भरपाई कौन करेगा? इंडियंस करेंगे। और उनको भरपाई करने का तरीका क्या मिला? उन्होंने प्राइस राइज कर दिया, प्राइस राइज एंड कस्टम ड्यूटी इंक्रीज्ड। बच्चा ये एक मेजर फैक्टर था जो इंडियंस के अंदर एक उबाल लेकर आ रहा था कि हम तो वैसे ही इतने बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उसके बाद ये प्राइस राइज, कस्टम ड्यूटी, आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है? बच्चा उस टाइम पे जो वो एरियाज थे जो बहुत बैकवर्ड एरियाज थे जिनमें लोगों के अंदर लिटरेसी रेट बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत कम थी, उनको रिक्रूट किया जाने लगा आर्मी में और ये एक फोर्स रिक्रूटमेंट थी।
लोगों को बंधक बना के आर्मी में डाला जा रहा था क्योंकि कोई उस युद्ध में उस वॉर में मरने को तैयार नहीं था। सो बच्चा ये सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो थी वो इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। लेट्स रिवाइज वंस क्या क्या हार्डशिप्स थी। सबसे पहला क्रॉप फेलियर एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड एपिडेमिक एंड इन्फ्लुएंजा, फोर्थ हाई टैक्सेशन एंड पॉवर्टी, फिफ्थ रिसेशन, इंडस्ट्रीज फेस क्लोजर एंड लॉस, प्राइस राइज एंड कस्टम ड्यूटी इंक्रीज, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द आर्मी एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। बच्चा इनकम टैक्स पहले था नहीं, लेकिन जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ उसमें इनकम टैक्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। बच्चा इंडियंस के पास इनकम हो तब तो वो टैक्स भरे, लेकिन बच्चा इसमें एक सेक्शन था जो बहुत ज्यादा फायदे में था, वो था बिजनेस क्लास, जो एलीट क्लास माना जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी का। वो क्यों बेनिफिट में था? वो इसलिए बेनिफिट में था क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल, जो भी वो जूट या फिर रेल पार्ट्स, जो भी रिक्वायरमेंट थी वॉर की, वो इंडियन इंडस्ट्री से उनकी फुलफिल हो जा रही थी। सो सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को था तो वो बिजनेस क्लास का था। अब बच्चा आगे एक क्वेश्चन इसमें से पुट अप होता है कि व्हाट वर द इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, एंड वाज द इकोनॉमिक हार्डशिप एनी वे होपफुल और ब्रॉट एनी गुड कंडीशन फॉर इंडिया। सो बच्चा ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपके की नोट्स हैं, जिनको आप कनेक्ट करके एक लॉन्ग आंसर आराम से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट था, अब लोग इतने ज्यादा परेशान थे इन सारी चीजों से कि उनको बस इसका इंतजार था कि कोई आए और हमारे लिए एक मैजिशियन का काम करे। सो बच्चा ऐसा काम किया गांधी जी ने। गांधी जी जो पढ़ने के लिए, जो अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे और फिर वहां से वो अपने एक क्लाइंट के मैटर को रिजोल्व करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। सो बच्चा गांधी जी ने वहां पे भी अपना हथियार नहीं छोड़ा था। उन्होंने सत्याग्रह, जो उनका मेन हथियार था, उसे बिल्कुल फॉर्मली होल्ड किया था। वहां पे भी गांधी जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो लोगों के बीच थी उसे सॉल्व करने की कोशिश की। गांधी जी का मानना शुरू से था कि आप हथियार उठा के किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है, सो बच्चा ये चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यस बच्चा, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो झेलनी पड़ी थी वो थी कलर बेस्ड रेसिज्म। बच्चा गांधी जी को बहुत सारी दिक्कतें कलर की वजह से उठानी पड़ी थी। और आपके एग्जाम में एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है कि रेसिज्म की वजह से गांधी जी को किस स्टेशन से, ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया था। सो बच्चा ये क्वेश्चन अभी आगे पुटअप आएगा, मैं आपको उसमें ऑप्शंस दूंगी और फिर आपको बताना है कि उसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। तो बच्चा जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो उन्होंने आते आते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर ली। गांधी जी के लिए सबसे बड़ा इशू यही था कि मैं पूरी इंडिया का पहले टूर करूं और जानूं कि आखिर इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो गांधी जी ने बिल्कुल एब्सटेन किया, ही वॉज टोटली अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1915 टू 1916। बट देन स्टूडेंट्स ही अटेंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दैट वॉज हेल्ड इन लखनऊ। इन दैट ही मेट अ फार्मर फ्रॉम चंपारण बिहार। उसमें एक फार्मर थे चंपारण बिहार के, जिन्होंने उनको इनवाइट किया चंपारण में वहां की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो गांधी जी ने भरोसा दिया कि हाँ मैं चंपारण आऊंगा और मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। सो बच्चा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि गांधी जी के दो हथियार कौन कौन से थे। गांधी जी का पहला हथियार जो था वो था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। जल्दी 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 से आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि गांधी जी के टू वेपन्स कौन कौन से थे। यस शिवम यादव आंसर, दक्ष अवस्थी नॉन वायलेंस। यस गुड बच्चा, गुड सुदर्शन, शिवम यादव वेरी गुड, वेरी गुड केशव, वेरी गुड मेघना, हेलो मेघना, दक्ष अवस्थी वेरी गुड, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, कृष्णा शुक्ला
विलियम कैरीबुटी, वेरी गुड। सो बच्चा उनके दो हथियार जो थे वो थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। बच्चा सत्याग्रह आखिर कहता क्या है, सत्याग्रह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सत्याग्रह का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नेवर गो बिफोर द इविल व्हाट एवर द कॉन्सिक्वेंस। चाहे कितनी भी गलत काम हो, कभी भी अपना सर झुकना नहीं चाहिए गलत के सामने। दूसरा, ओनली ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह। सत्याग्रह सबके बस की बात नहीं है, वही सत्याग्रह फॉलो कर सकता है जो ब्रेव है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो अपने अपने सेंटिमेंट्स को लेकर, अपने कंसेंट को लेकर लॉयल है, जो गलत के सामने झुकना नहीं जानता है, वही सत्याग्रह को फॉलो कर पाएगा। बच्चा गांधी जी ने तीसरा पॉइंट बहुत सॉलिड बताया था। क्या था तीसरा पॉइंट? नो इल फीलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। गलत इंसान के लिए, गलत इंसान से नफरत मत करो, गलत काम से नफरत करो। सो बच्चा, नो इल फीलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन। इविल कुड बी बेस्ट काउंटर्ड बाय नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस। उनका मानना था कि गलत को खत्म करने के लिए हम कभी भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड विद नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वेपन टू डिफीट द इविल एंड वायलेंस वॉज प्रेफर्ड टू कोवर्डाइज। मतलब वायलेंस जो है वो कायरता की निशानी है। जो पुरुष कायर होता है वो वायलेंस को एज अ वेपन चूज करता है। सो बच्चा सत्याग्रह जो है वो आप आगे देखोगे कि बहुत बड़ा वेपन प्रूव होता है गांधी जी के लिए। सो बच्चा मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉम विच स्टेशन गांधी जी वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन कंपार्टमेंट इन साउथ अफ्रीका, यू हैव थ्री ऑप्शन, अमानालिया, क्रुगर्सडॉर्फ एंड पीटर मैरिट्सबर्ग। सो बच्चा ये तीनों ऑप्शन है, आप इसे ढूंढो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे ढूंढो और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि मैम ये आंसर है। सो बच्चा मूविंग फॉरवर्ड, आगे है गांधी जी के तीन सक्सेसफुल सत्याग्रह। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी कहते हैं। दूसरा था आपका अहमदाबाद स्ट्राइक, जिसे हम फर्स्ट हंडर स्ट्राइक कहते हैं। थर्ड था आपका खेड़ा सत्याग्रह, विच वॉज नोन एज फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो बच्चा ये तीन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। तो बच्चा चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और ये हुआ कहां था? चंपारण बिहार में। बच्चा क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके बीच में एक आप कह सकते हो कि एक कंसेंट हुआ था, एक आप कह सकते हो कि वो दोनों एग्री हुए थे इस बात पे कि जो फार्मर्स हैं वो अपने 3x20 लैंड पे इंडिगो की खेती करेंगे। बच्चा इंडिगो की खेती एक ऐसी खेती है जिसके दो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं। सो बच्चा वो चाहते थे कि वो 3x20 पार्ट पे अपना इंडिगो की खेती करें और बाकी जो पार्ट्स है वो उस पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी खेती कर सकते हैं। सो बच्चा स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, ब्रिटिशर्स एक हैवी अमाउंट पे करते थे फार्मर्स को और वो एडवांस पेमेंट्स को भी प्रेफर करते थे। सो बच्चा ये सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल सही चल रही थी। पर जब बच्चा आया 1917 का टाइम, जब हो गई क्या ड्रॉट कंडीशन, जब वहां पे लोगों को दिक्कतें आने लगी, वहां पे क्रॉप फेलियर होने लगा। सो लोगों को अब समझ में आने लगा कि ये तो बहुत बड़ी इशू है। और उसी टाइम जर्मनी ने बच्चा एक ऐसा, आपको कह सकते हो एक ऐसा इंक लेकर आया, एक ऐसा मेथड इवॉल्व किया जो बहुत ही नेचुरल था और बहुत ही कम प्राइस में बन सकता था। अब ब्रिटिशर्स के लिए जर्मनी ने एक चुनौती रख दी सामने। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सारी पेमेंट देनी बंद कर दी। अब वो जबरदस्ती फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप अपनी खेती में, आप अपने खेत में, अपने लैंड पे ये सारी इंडिगो की खेती करो और उन्हें उसके इवज में मिलता कुछ भी नहीं था। सो उनका जो मैंने अभी आपको बताया कि टू इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स जो था वो क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक जो था नील की खेती का वो ये था कि उसको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी। द इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एंड द सेकेंड वॉज कि इंडिगो जिस भी लैंड पे आप इंडिगो की खेती कर रहे हो वो लैंड सॉइल जो वहां की थी वो इनफर्टाइल हो जाएगी। सो बच्चा आप सोचो अगर एक लैंड में थ्री पार्ट है, अगर उसके 3x20 पार्ट में इन्होंने अगर वो लैंड बैरन हो जा रहा है तो ऐसे करते करते लैंड का लॉस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो बच्चा इस सिस्टम को बोला गया था तिनकटिया सिस्टम। तिनकटिया सिस्टम जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने सारी कंडीशन की एनालिसिस की और उनको ये समझ में आया कि हाँ ये सारे जो इश्यूज हैं वो चले आ रहे हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। सो उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का सोचा। सो बच्चा जब उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल विथड्रॉ करने से मना कर दिया। वो बिल्कुल फर्म थे कि नहीं, जो इनकी तीन डिमांड थी बच्चे वो क्या थी कि फार्मर से जो भी इलीगल तरीके से पैसा लिया गया है वो उन्हें वापस किया जाए, दूसरा इस तिनकटिया सिस्टम को अबॉलिश किया जाए। तो बच्चा ये दो इंपॉर्टेंट कॉज थे जो गांधी जी चाहते थे, जो चाहते थे गांधी जी की ये दोनों चीजें हो पाए। तो बच्चा चंपारण सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह माना जाता है क्योंकि इसी से गांधी जी को जो पहचान मिली, गांधी जी की जो फैन फॉलोइंग थी, जो स्टार्डम, जो चीजें उनको यहां से मिली, जो उनको सपोर्ट यहां से मिला, वो आप देखोगे कि लॉन्ग लास्टिंग चलता रहा। सो बच्चा इसमें हुआ क्या, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को वहां से उन्होंने उठाया, उन्हें जेल में डाल दिया। जब उन्हें मोतिहारी जेल में जज के सामने लाया गया तो उन्होंने सारी कंडीशंस जज के सामने बताई। तब जज ने कहा कि नहीं, ही स्टैंडिंग फॉर अ लॉयल कॉज, इनकी जो भी स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने फिर एक कमिटी बिठाई और उस कमिटी का हेड बनाया किसको, गांधी जी को। सो बच्चा वहां से फिर गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया, सारी चीजें एनालाइज की और फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि वो तिनकटिया सिस्टम को एबॉलिश कर देंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि वो 25% जो भी इलीगल रिकवरी हुई है उनको फार्मर्स से, उसका 25% वो फार्मर्स को वापस करेंगे। सो बच्चा एट द एंड चंपारण सत्याग्रह का रिजल्ट क्या हुआ कि गांधी जी वो बैटल जीत गए। यस, सीक्रेट सुपरस्टार पलक तुवानी, गांधी जी वाज अरेस्टेड। यस यस बच्चा, हेलो पायल, यस यस संजना, गांधी जी का पहला आंदोलन बिहार में हुआ था। सो बच्चा मूविंग फॉरवर्ड, चंपारण के बाद आता है हमारा अहमदाबाद मील स्ट्राइक। अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो हुआ था वो हुआ था 1918 में और हुआ कहाँ था, ये अहमदाबाद गुजरात में। सो बच्चा ब्रिटिशर्स के टाइम पे अहमदाबाद जो था वो एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप हुआ, और जब एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप हुआ सो वहां पे जो लैंड था वो फर्टाइल भी था और बहुत अच्छा कल्टीवेशन के लिए भी यूजफुल था, कॉटन की कल्टीवेशन वहां पे बहुत अच्छी थी। सो बच्चा क्या हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कि जो फार्मर्स थे जो मिल में काम करते थे उनको उस टाइम पे एक प्लेग की सिचुएशन आई 1918 में। उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो जितने भी वहां पे वर्कर्स थे वो या तो मरने लगे, या तो वो बीमार पड़ने लगे, या तो वो वहां से छोड़ के पलायन करने लगे। दे स्टार्टेड मूविंग टू अनदर स्टेट्स, दे स्टार्टेड लीविंग दोज मिल्स एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबरर। सो बच्चा ये जो भी मिल्स थी उनके लिए बहुत बड़ा इशू था कि इतने लार्ज अमाउंट में अगर वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी जो मिल है वो तो क्लोजर के कगार पे आ जाएगी। सो मिल ओनर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसको प्लेग बोनस देंगे। उन्होंने सारे वर्कर्स को प्लेग बोनस देना स्टार्ट किया और बच्चा आप ये सोच के अमेज हो जाओगे कि उन्होंने वर्कर्स की सैलरी का 80% तक उन्होंने प्लेग बोनस देना स्टार्ट किया। सो वर्कर्स वर लाइक ठीक है, हम रहते हैं, कोई इशू नहीं है, हम काम करते हैं। लेकिन बच्चा सारा ट्विस्ट तो तब आया ना जब प्लेग की सिचुएशन खत्म हो गई। जब प्लेग की सिचुएशन खत्म हुई तो इन्होंने ये 80% जो भी इन्होंने देना स्टार्ट किया था वो सब कुछ विथड्रॉ कर लिया। अब ये दिक्कत आई किसके लिए, वर्कर्स के लिए। वर्कर्स तो हो गए बड़े परेशान, भाई ये कैसे हो सकता है, अब तो इतनी महामारी भी आ चुकी है। कैसी महामारी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों के पास फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा हो गया था, लोग बहुत ज्यादा ही डेब्ट में चले गए थे। सो लोगों ने मिल ओनर से ये रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप हमें प्लेग बोनस नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इतना करो कि इस प्लेग बोनस को आप डियरेंस अलाउंस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा हमारा इनकम भी नहीं है और अगर यही महंगाई कंटिन्यू करेगी तो हमें सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
So they demanded for a rise of 50% in their wages so that they could manage in the times of wartime inflation. बच्चा उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया. अब जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया. प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस जो थी वो सामने आई. प्रोटेस्ट की वजह से जो मील थे उसका काम बंद हुआ. अब बच्चा ये बता, इन वर्कर्स की वजह से मील ओनर्स काम तो रोक नहीं देते. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉम्बे से वर्कर्स मंगाने स्टार्ट कर दिए. अब जब बॉम्बे से वर्कर्स आने लगे सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो वहां के लोकल वर्कर्स थे उनके लिए, कि अब तो उनके पास काम भी नहीं था, गरीबी भी आ चुकी थी और जो ये मील ओनर्स थे इन्होंने भी बोनस देने से मना कर दिया था. इसके लिए ये फिर गए किसके पास, इसके बाद ये लोग गए बच्चा मैम तिनकटिया के रूल क्या थे. ओके बच्चा वेरी गुड. यस बेटा, तिनकटिया का रूल ये था कि आपको 3/20 लैंड पे, आपका जो भी लैंड है जिसपे आप कल्टीवेशन कर रहे हो उसके 3/20 लैंड पे आपको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी होगी. और बच्चा इंडिगो की कल्टीवेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक कि इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड सेकेंड ऑन विच एवर लैंड द इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड वॉज बैरन. आफ्टर दैट इट टर्न आउट टू बी बैरन. सो बच्चा जब ये सारी प्रॉब्लम्स इनको दिखने लगी तो इनको सिर्फ एक चिराग दिखा और वो चिराग क्या था, गांधी जी का. उन्हें ये लगा कि गांधी जी जो हैं वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो बच्चा उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर अन्नामलाई साराभाई को अप्रोच किया. अन्नामलाई साराभाई जो थी वो एक सोशल वर्कर थी और वो अहमदाबाद मिल के ओनर थे अंबालाल साराभाई, ये उनकी बहन थी. सो इन्होंने उनको अप्रोच की और सारी प्रॉब्लम बताई. अब अन्नामलाई साराभाई को ये समझ में आ गया था कि ये प्रॉब्लम बहुत ही पेचीदा होती जा रही है और ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका अगर कोई समाधान कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी कर सकते हैं. सो बच्चा देख रहे हो कि गांधी जी की कैसे जो भी मास जो उनके पास आ रहा था वो कैसे बढ़ता जा रहा था, कैसे वो लोगों से अप्रोच कर रहे थे. सो उसके बाद ये मैटर पहुंचा गांधी जी के पास. गांधी जी ने कहा, सारी प्रॉब्लम एनालिसिस की और गांधी जी ने कहा कि वो अपने टीम के साथ एक केस स्टडी करेंगे. और केस स्टडी में वो क्या चाहते थे, वो केस स्टडी में देखना चाहते थे कि कंपनी को जो मील है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनकी सैलरीज कितनी है, उनका टर्नओवर कितना है. जिसके थ्रू उन्होंने जब केस स्टडी की तो उनको ये समझ में आया कि 35% वेज हाइक इज रिक्वायर्ड फॉर दी वर्कर्स, क्योंकि महंगाई भी थी और साथ ही साथ कंपनी जो मील थी वो भी एक अच्छा टर्नओवर गेन कर रही थी. सो बच्चा उनके लिए एक बहुत बड़ा जो इशू था ये यही था कि सारी केस स्टडी करने के बाद से जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको उन्होंने कहा कि 35% वेज हाइक थी, लेकिन जो मील ओनर्स थे उनका कहना था कि अगर हम हाइक देते भी हैं तो 20% से ज्यादा का नहीं होगा. 20% इतना कम, इसके लिए तो वर्कर्स राजी ही नहीं थे. तो गांधी जी ने कहा कोई काम नहीं करेगा, हम सारे के सारे धरने पे बैठेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, कोई भी काम पे नहीं जाएगा. उस टाइम गांधी जी की फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी. सो जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम गांधी जी को ज्वाइन करते हैं. और गांधी जी जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे, जब गांधी जी ने स्ट्राइक का सोचा कि हाँ सारा काम बंद करते हैं, जब तक वेज हाइक नहीं होगा तब तक हम वर्कर्स को काम नहीं करने देंगे. लेकिन बच्चा प्रॉब्लम क्या थी, जो ये वर्कर्स थे ये बहुत ही लो क्लास से बिलोंग करते थे. इनका ये था कि रोज का कमाना, रोज का खर्च करना. सो बच्चा इनके लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके बीवी बच्चे जो थे ये भूख से मरने लगे. इन्हें ये प्रॉब्लम दिखाई देने लगी कि अगर हम स्ट्राइक में रहते हैं, अगर हम काम धाम बंद कर देते हैं तो हमारी फैमिली जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी. सो बच्चा उसके बाद से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं हम वापस ज्वाइन करेंगे और ये क्या करेंगे, ये मील ओनर्स की डिमांड को मान गए कि वो 20% वेज हाइक देंगे. 20% वेज हाइक पे वो मान गए और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया. अब बच्चा ये बताओ गांधी जी के सामने तो बड़ी मुश्किल आ गई. क्यों मुश्किल आ गई, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने सारा चीज किया अब उनके पीछे मुश्किल से कुछ ही ऐसे वर्कर्स थे जो उनके सपोर्ट में खड़े थे. अब आप सोचो जिसके लिए गांधी जी ने इतना कुछ किया और वही उनके साथ नहीं खड़े थे,
सो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो हंगर स्ट्राइक करूंगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। इसीलिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को कहते हैं फर्स्ट हंगर मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने हंगर को एज अ वेपन यूज किया था। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी बैठ गए अनशन पे। अब गांधी जी बैठ तो गए अनशन पे, अब क्या हुआ, वर्कर्स जो थे उनको भी ये एहसास होने लगा कि नहीं, गांधी जी जो है वो हमारे हित के लिए खड़े हैं। और जो अहमदाबाद मिल ओनर्स थे उनको भी ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं सॉल्व होने वाली है, गांधी जी बहुत फर्म है अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को लेकर। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 35% वेज हाइक देने को तैयार है। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बच्चे कमेंट्स में बताओ कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का रिजल्ट क्या रहा। यस बच्चा, बच्चा इस पार्ट से जो क्वेश्चन आने वाला है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो है इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे सफर करी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है, आपसे पूछा जाता है गांधी जी के इन सत्याग्रह के बारे में, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। यस बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वेरी गुड, वेरी गुड ओम तिवारी। बच्चा उसके बाद से ये जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई, द स्ट्राइक वॉज विदड्रॉन, द ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड 35% वेज हाइक, और फार्मर्स का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब आता है सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो था खेड़ा सत्याग्रह। उसमें क्या हुआ, ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो आया था 1918 में। कहां हुआ था, खेड़ा गुजरात में। कॉज क्या था, कॉज ये था कि जो खेड़ा एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट थी उसमें आया था, क्या नाम था, अकाल पड़ा था, एक अकाल पड़ा था। और वो अकाल के बाद, अभी उस अकाल से लोग उभरे भी नहीं थे, और उसके बाद आ गया एक बहुत बड़ा प्लेग जिसमें अराउंड 17,000 लोगों की डेथ हो गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जो थे उनको लगा कि जैसी लैंड है वैसी ही उसकी रेवेन्यू उन्होंने डिसाइड कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ ये लैंड बहुत कल्टिवेबल है, बहुत ज्यादा इससे इनकम हो सकता है। गुड, रिबेल अकेडमी, यस बच्चा, आई एम टेलिंग अबाउट दी खेड़ा सत्याग्रह ओनली। खेड़ा सत्याग्रह भी एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चा उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी जिसकी रेवेन्यू है वो उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स देगा, और उन्होंने टैक्स को इंक्रीज भी कर दिया। बच्चा आप ये सोचो, जो फार्मर्स जो अभी अकाल से लड़ रहे थे, जो प्लेग से लड़ रहे थे, जो अपने फैमिली के लॉस से लड़ रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो पहले का ही रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, पहले का ही टैक्स नहीं भर पा रहे थे, वही उनके लिए बहुत ज्यादा था। और अब उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कितने से बच्चा, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया 23% से, जो एक बहुत ह्यूज अमाउंट था उन फार्मर्स के लिए जो इस सारी सिचुएशन से लड़ रहे थे। तो बच्चा इसके लिए भी उन्हें जो एक रास्ता दिखाई दिया वो कौन था, हमारे प्यारे गांधी जी। तो बच्चा गांधी जी ने इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। गांधी जी ने स्टार्ट किया कैंपेन, कैसा कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन। उन्होंने कहा कि जब कल्टीवेशन 1/4 लैंड पे ही पॉसिबल है, जब कल्टीवेशन से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो 1/4 के बराबर है, तो आप कैसे 75-80% की डिमांड कर सकते हो, कैसे आप इतना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर मूवमेंट स्टार्ट किया। यस बच्चा, आई विल बी कमिंग वेरी सून ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। यस बच्चा, यस सिग्नेचर क्या, यस मेघना बुरी, सिग्नेचर कैंपेन वो स्टार्टेड। और सिग्नेचर कैंपेन में उन्होंने किया क्या, सिग्नेचर कैंपेन में उन्होंने जितने भी फार्मर्स थे उनसे एक रेजोल्यूशन लिया, एक सिग्नेचर करवाया कि हाँ हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इन सारे इश्यूज से डील कर रहे हैं, और ये सारे इस समय उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो यही थी कि ये टैक्स जो है वो इस ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। फार्मर्स ने ये नहीं कहा कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे,
या उन्हें दिक्कत है, वो चाहते नहीं है कि टैक्स सिस्टम अबॉलिश हो जाए। उनका सिर्फ इतना कहना था कि उन्हें रिवेन्यू में रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि वो प्लेग से जूझ रहे थे, वो एपिडेमिक से जूझ रहे थे और वो रिवेन्यू इस साल नहीं दे सकते थे। सो देयर ओनली डिमांड वॉज टू सस्पेंड द टैक्स फॉर एन ईयर। गांधी जी ने इसमें भी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को एज अ हथियार चुना। इस टाइम पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लोग बिल्कुल फर्म थे, लोगों पे लाठी डंडे हुए, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके बीवी बच्चों को परेशान किया गया। लेकिन जो फार्मर्स थे उन्हें पता था कि गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो कहा वो करके दिखाया था। सो खेड़ा सत्याग्रह वॉज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। सो उन्होंने चाहे कुछ भी हो गया, उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। और क्या रिजल्ट आया इसका कि टैक्स को सस्पेंड कर दिया गया एक साल के लिए। बच्चा टैक्स तो सस्पेंड हो गया अब, और कहा गया कि जो सिर्फ रिच हैं, जो देने के लिए केपेबल हैं, वही सिर्फ टैक्स पे करेंगे। तो बच्चा दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह। कौन कौन से? अहमदाबाद, खेड़ा एंड चंपारण सत्याग्रह। मूविंग फर्दर बच्चा, कमेंट सेक्शन में बताओ विच वॉज द फॉलोइंग सत्याग्रह, विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज फॉर मील वर्कर्स। मील वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह था? बच्चा मील वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह था? कमेंट सेक्शन में फटाफट धूम मचाओ कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, जो मील वर्कर्स के लिए सत्याग्रह था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह वॉज फॉर मील वर्कर्स। वेरी गुड। सो बच्चा आज का आपका क्वेश्चन है जो आपको एक्सप्लोर करना है वो है हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। सबसे पहला क्वेश्चन है हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी का नाम ऐसे ही महात्मा गांधी नहीं था, किसी ने तो उन्हें टाइटल दिया था महात्मा का। एंड नेक्स्ट वॉज हु वॉज पोलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी का पोलिटिकल गुरु कौन था। थर्ड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम ब्लैक एक्ट वॉट वॉज द नेम गिवन टू रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया गया। ये तीन क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छा एक्सप्लोर करने हैं, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। और बच्चा हमारा नेक्स्ट सेशन किस पे होगा? हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारे चैनल जो कि है फीनिक्स सक्सेस प्लान। बच्चा हमारे चैनल का नाम क्या है? फीनिक्स सक्सेस प्लान। और बच्चा आगे आपको फीनिक्स सक्सेस प्लान पे बच्चा बहुत डिफरेंस फील होगा। बच्चा आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, आपने पढ़ तो लिया, आपने सारी चीजें मेमोराइज तो कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स के लिए कितना आंसर लिखना है। सो बच्चा ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है फीनिक्स सक्सेस प्लान पे, और ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बच्चा आपको फीनिक्स सक्सेस प्लान पे डेली 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उनके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजना होगा। वो आंसर मैं खुद एनालाइज करूंगी और आपको आपके जो भी ड्रॉबैक्स होंगे, जो भी आप मैं बता पाऊं कि नहीं आपको ये पॉइंट इंक्लूड करना था आपने मिस कर दिया, वो कीनोट्स मैं आपको वहां पे सेंड करूंगी, और जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अपने चैनल पे। सो बच्चा फीनिक्स सक्सेस प्लान वो चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, या आपके लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फीनिक्स सक्सेस प्लान। बच्चा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जुड़ने के लिए, आप अभी मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या आप प्लस पे हो। सो बच्चा आपको प्लस पे, आई विल बी वेरी शॉर्टली ऑन माय प्लस प्लेटफॉर्म पर। बच्चा आप अभी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके प्लस प्रोफेशन फटाफट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मेरे अलावा वहां पे बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपनी स्टडीज को रफ्तार दे सकते हो। और बच्चा ये वो टाइम है जिसमें परफॉर्म करने की जरूरत है। आपने 9 महीने नहीं पढ़ाई की है, 8 महीने नहीं पढ़ाई करी है, कोई इशू नहीं है। विनर कौन होता है? जो ये 3 महीने निकाल देता है, ये 3 महीने जिसने मेहनत कर दी बच्चा वो पक्का टॉप में पहुंचेगा।
सो बच्चा आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो अपने प्ले स्टोर से। आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सेक्शन दिखाई देगा मैनेज गोल्स का, जिसमें आपको कैटेगरी चूज करनी है सीबीएसई क्लास 10। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, आपको एक आइकन शो होगा प्लस का, आपको प्लस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, एक आपको विंडो ओपन होगी गेट सब्सक्रिप्शन का, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा और आप अपनी सब्सक्रिप्शन को आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बच्चा आपको कोड कौन सा यूज करना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम का कोड क्या है, जल्दी जल्दी बच्चा बताओ मैम का कोड क्या है जल्दी से। यस फटाक फटाक से बताओ जल्दी से। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है फीनिक्स सक्सेस प्लान की। यस बच्चा कंटेंट पूरा फ्री में होगा, मैं पूरा 9th-10th आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल फ्री। सब्जेक्ट्स मेरे होंगे साइंस और सोशल साइंस। सो बच्चा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी कोर्स परचेज करो तो 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है। सो बच्चा जल्दी से। यस बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब फ्री होगा बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सब फ्री होगा बिल्कुल। सो बच्चा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मेरा कोड यूज करो सौम्या। हमारा रेफरल कोड क्या है सौम्या, SAUMYA, ये हमारा रेफरल कोड है और आपको बहुत सारा आपको वो डिफरेंस वहां पे फील होने वाला है। सो थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉयड द सेशन। टिल देन बी सेफ एंड बी कनेक्टेड टू सक्सेस प्लान। थैंक यू।